इसराइल के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी के बीच भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस ट्रैवल एडवाइजरी में ईरान और इजराइल की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। वहीं एक अमेरिकी अखबार ने ईरान और इजराइल को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अगले दो दिनों में इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच हालात तब से बिगड़े हैं जब 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में IRGC के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जहेदी और उनके डिप्टी समेत 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। वहीं दूतावास की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई थी। बता दें कि ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद से ईरान लगातार इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा है। रक्षा जानकारों की माने तो ईरान इजराइल पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दरअसल ईरान के पक्ष में इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देश खुलकर साथ आ सकते हैं। रूस पहले से ही ईरान का सैन्य सहयोगी रहा है और यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों से उसकी ठनी हुई है। इस वजह से रूस भी ईरान के साथ जा सकता है। रूस अपने साथ साथ चीन और उत्तर कोरिया को भी ईरान के पक्ष में लामबंद कर सकता है। वहीं इजराइल के साथ आने को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले ऐलान कर दिया है। वहीं एक और मुस्लिम देश सऊदी अरब की बात करें तो जंग के हालात में तटस्थ रह सकता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का इजराइल और ईरान से अच्छे संबंध माने जाते हैं, इस लिहाज से भारत भी खुलकर किसी देश का समर्थन नहीं करेगा। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने हाल ही में कहा था कि इजराइल को दमिश्क हमले की सजा जरूर दी जाएगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान इजराइल पर सीधा हमले करने को लेकर संशय में है। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार छेड़ सकता है, जिसमें वो लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हुती विद्रोहियों और सीरिया के लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि ईरान हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का मददगार माना जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाल ही में ईरान को चेतावनी दी थी। Also discussed developments in the Middle East, including our shared support for a ceasefire and a hostage deal, and urgent efforts to deal with the humanitarian crisis that exists in Gaza. We also want to address the Iranian threat to launch a significant they're threatening to launch a significant attack on Israel. As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad. We're going to do all we can to protect Israel's security. बता दें कि ईरान इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी अगर युद्ध में बदली तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।